अमूल ने अपने दूध के दाम बढ़ा दिए, 3 रुपये पर लीटर बढ़ा दिया गया, यानी कि शहर में अब अमूल का जो दूध है 1 लीटर फुल क्रीम दूध 66 रुपये का पड़ रहा है। इस वक्त हम सीतापुर में हैं, एक भाई साहब हैं दूध अपना लेके जा रहे हैं, क्या नाम है? सुरेंद्र। सुरेंद्र यादव। हाँ यादव जी। हाँ कितना दूध लेके जा रहे हो? दूध हो जाता 80-90 लीटर। दूध 80-90। हाँ तो आप गांव वालों से कलेक्ट करते हो सबसे? हाँ, हाँ। कितने रुपए में लेते हो गांव वालों से? 35 रुपए। गांव वालों से 35 रुपए में लेते हो? हाँ। कितना पानी होता है उसमें? पानी उम्र रहा थे लगभग हम मान लो कि 45 फैटा होते 48 बस। तो फैट पे लेते आप? हाँ। तो यानी कि पानी नहीं मिलाते फिर? नहीं जैसे लेके जा रहे हैं हम दूध। नहीं नहीं पानी पानी मिलाएंगे तो फैट कहाँ आएगा फिर? पानी मिला किसान देते तो फैट कम हो जाएगा, पानी मिलाएगा पानी वही तो बात। 47-48 फैट लगभग आ रही, 45-46 बस नहीं देता है। तो यानी कि पेवर दूध उनका कितने का पड़ जाता है 1 लीटर? पेवर देते सामने कोई लगाते नहीं है। अच्छा 20 लग्टोमीटर 18-20-22 लग्टोमीटर ऐसे दूध। देखिए ये बता नहीं पा रहे हैं, ये एक्चुअली ये पराग और अमूल जैसी कंपनियों के लिए दूध गांव-गांव से कलेक्ट करते हैं, फिर उनको ले देते हो ना आप वहाँ पे? हम मतलब जैसे डेयरी पर देते हैं, ठीक है? हाँ डेयरी, फिर वो पराग को देती होगी, अमूल को? 44 रुपया लीटर रेट मतलब देती हूँ, 44 रुपया लीटर डेयरी। हाँ 44 रुपए। हाँ 35 रुपए मिल जाती लीटर पर, 2-3 रुपए आपको कमीशन हो जाता है। तो यानी किसानों से 35 रुपए लीटर लिया जाता है। हाँ और फिर वो 35 रुपए का जो लीटर किसानों से खरीदा जा रहा है वो शहरों में उपभोक्ताओं को 66 रुपए दिया जा रहा है। तो देखिए ये लगभग यादव जी जो है 80 लीटर दूध जो है ये लेके जा रहे हैं, ये देखिए गाँव से कलेक्ट करके, ये सुबह निकलते हैं गाँव गाँव जाके घर घर से जो किसान है उनसे कलेक्ट करते हैं, फिर ये एक दूसरे सेंटर पे ले जाएंगे, उस सेंटर से फिर वो बड़ी बड़ी जो वैन है अमूल की, ज्ञान की, नमस्ते इंडिया या अमूल, ये सब तक पहुंचाया जाता है टैंकर के माध्यम से, और फिर 66 रुपए बिकता है। तो यानी किसानों को जो है दूध आप तो महंगा खरीद रहे हैं, लोग महंगा खरीद रहे हैं, लेकिन किसानों को वो फायदा नहीं पहुँच पा रहा है, उनका दूध जो बिल्कुल पानी के भाव बिक रहा है 35 रुपए लीटर। तो रोज का आपका काम है ये? हाँ। कई किलोमीटर दूर है यहाँ डेयरी जहाँ ले जा रहे हो? डेयरी है यहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर। 7-8 किलोमीटर डेयरी है, वहाँ जाके बहुत से लोग वहाँ लेके आते हैं। हाँ, 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 अलग अलग गांव से कलेक्ट करके। हाँ, वही सब देते होंगे। हाँ, 1-2 रुपए कमीशन आपका, वो डेयरी वाले का भी 1-2 रुपए कमीशन होता होगा। 1 रुपया लीटर मतलब वो पाए रहा है डेयरी वाला भी है। तो यानी कि कुल मिला के 35-40 रुपए लीटर दूध कंपनियों को पड़ जाता है दूध, और वो फिर आगे प्रोसेस करके पैकिंग करके 66 रुपए बेच रही, तो भी यानी कि 10-15 रुपए जो है वो बची रहा है। हाँ। दूध कंपनियों। हाँ। को और किसानों को कुछ नहीं मिल रहा है, किसान 35 रुपए में यहाँ मान ली देते हैं, जो बच जाए उनका चारा भूसा तो पड़ते हैं, और उसके बाद जो गाय भैंस सांड खेतों में है। हाँ। अलग ही। हाँ। चलिए फिर ठीक है, चाहे यादव जी धन्यवाद, धन्यवाद आपका भी।